क्या आपने द्रोणाचार्य का नाम सुना है? महाभारत की कहानियों में एक ऐसा गुरु था जिसने एक आदिवासी छात्र एकलव्य का अंगूठा सिर्फ इसलिए कटवा दिया था क्योंकि वो उसके बाकी छात्रों से बेहतर धनुष चलाता था। ये कहानी तो वैसे सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन द्रोणाचार्य जैसे जातिवादी, मनुवादी और घटिया सोच वाले टीचर आज भी मौजूद हैं। ऐसा ही एक मामला IIT खड़गपुर में सामने आया है। देश के लिए इंजीनियर बनाने वाली IIT की एक महिला प्रोफेसर ने ऑनलाइन क्लास में ना सिर्फ दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समाज से आने वाले छात्रों को गंदी गंदी गालियां दी, बल्कि उन्हें फेल करने की धमकी तक दे डाली। नाम सीमा सिंह, पद एसोसिएट प्रोफेसर IIT खड़गपुर, विषय ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। इस जातिवादी और मनुवादी सोच वाली प्रोफेसर ने द्रोणाचार्य की तरह ही बहुजन छात्रों का भविष्य बर्बाद करना चाहा। जिस शिक्षक पर अपने छात्रों के हाथ पकड़कर आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी, वही मनुवादी टीचर इन छात्रों के अंगूठे ही नहीं बल्कि हाथ तक काट देना चाहती है। सुनिए किस तरह से ये मनुवादी टीचर सीमा सिंह बहुजन छात्रों को जलील कर रही थी। Go to any place. Go to Ministry of Women and Children. Go to Ministry of SC ST Minorities. Nothing can prevent me from doing what I have to do to you. Is it clear? Hello? Okay. I will call you, Mr. Until you deserve to be called better by your names. And you will get attendance only if your camera is open throughout the class. If not, go to hell. I will not listen to anybody. Nobody on this planet can make me change my decision if I make it. Is it clear or not? Yes, ma'am. Okay, so let us stop being bloody and let us come to business, ladies and gentlemen. सीमा सिंह IIT खड़गपुर में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज पढ़ाती हैं। ये कोर्स खास तौर पर वंचित तबके से आने वाले छात्रों के लिए होता है। उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ अन्य विषयों की जानकारी भी दी जाती है। इस क्लास में सिर्फ SC, ST, OBC और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज जैसे छात्र ही होते हैं। यानी मनुवादी प्रोफेसर सीमा सिंह ये पहले से जानती थी कि इस क्लास में सिर्फ उन्हीं जातियों के छात्र हैं। ऐसे में उनकी भाषा और गुस्सा देखकर तो यही लगता है कि उसने जानबूझकर इन छात्रों को टारगेट किया। यहां तक कि ने छात्रों को कम नंबर देकर फेल कर देने की धमकी भी दी। I have 20 marks for you. I will give zero to everybody. All 128. Do you want that? Tell me, do you want that? No, ma'am. Shameless teachers, you have to only stand up for 2 minutes. You have to stand for 2 minutes in honor of the national anthem. You cannot do it. You know, this is also on your parents.
take it like that. I'm calling your parents back. Do you have any shame? You shameless creatures of flip course. One smart fellow did not stand up for the national anthem and sing Bharat Mata Ki. Are you in school now? IIT जैसे बड़े संस्थानों तक पहुंचने वाले बहुजन छात्रों से जातिवादी टीचर कितनी नफरत करते हैं, इसका अंदाजा आप प्रोफेसर सीमा सिंह की भाषा को सुनकर लगा सकते हैं। इसी नफरत का शिकार होकर जाने कितने छात्र या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर सुसाइड जैसा खतरनाक कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे लोगों के कारण ही हमने रोहित वेमुला को खोया था। प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे लोगों के कारण ही डॉक्टर पायल तड़वी ने अपनी जान दे दी थी। और प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे लोगों के कारण ही हर साल दर्जनों दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज से आने वाले छात्र हार मान लेते हैं। प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे द्रोणाचार्य टीचर बहुजन समाज के छात्रों को घेर घेर कर उनके लिए ऐसा माहौल बना देते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ आंकड़े देखिए, 2007 से 2016 के बीच करीब 7500 छात्रों ने जान दे दी थी। जबरदस्त एकेडमिक प्रेशर और जातिवाद जैसी वजहों ने इन छात्रों का हौसला तोड़ दिया था। हर साल ऐसी तमाम खबरें आती हैं कि कैसे एक दलित छात्र ने खुद को फांसी लगा ली या फिर एक दलित छात्र हॉस्टल की छत से कूद गया। प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे जातिवादी टीचर वंचित तबके से आने वाले पहली पीढ़ी के छात्रों के लिए द्रोणाचार्य साबित हो रहे हैं। IIT बॉम्बे के अंबेडकर पेरियर फुले स्टडी सर्कल की ओर से शेयर की गई ये वीडियो क्लिप देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई। इंटरनेट पर जातिवादी सीमा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। #EndCasteismInIIT टॉप ट्रेंड में रहा। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल, मसान और गिली पुच्ची जैसी फिल्म बना चुके फिल्मकार नीरज घेवन, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत हजारों लोगों ने आरोपी टीचर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध बढ़ा तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी हरकत में आया। SC कमीशन के चेयरमैन विजय सापला ने शिक्षा मंत्रालय और IIT खड़गपुर के डायरेक्टर वीरेंद्र तिवारी को तुरंत जांच करने को कहा है। मतलब एक ठाकुर प्रोफेसर सीमा सिंह की जांच एक ब्राह्मण डायरेक्टर वीरेंद्र तिवारी करेंगे। न्याय तो हो गया समझिए, क्योंकि IIT जैसे संस्थानों में बहुजन समाज से आने वाले टीचर ना के बराबर हैं। तमाम IITs के डायरेक्टर सवर्ण जातियों से हैं और इसीलिए प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे लोगों की हिम्मत मिलती है, उन्हें हिम्मत मिलती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश भर के तमाम IITs में फैकल्टी के कुल 8,856 पदों में से 4,876 सिर्फ सवर्ण जातियों के पास हैं। OBC महज 329 हैं, अनुसूचित जाति के टीचर महज 149 और अनुसूचित जनजाति के महज 21 टीचर हैं। यानी देश भर के करीब 23 IITs में SC, ST, OBC जिनकी आबादी करीब 85% है, उनका प्रतिनिधित्व महज 9% है। संवैधानिक आरक्षण के हिसाब से कम इन IITs में SC 15% होने चाहिए, ST 7.5% होने चाहिए और OBC 27% टीचर होने चाहिए। लेकिन मनुवादी आरक्षित पदों को भरते ही नहीं, नियुक्तियां करते ही नहीं और वही हाल छात्रों के साथ भी होता है। पहले तो इंटरव्यू में छात्रों को नंबर काटकर बाहर कर देते हैं और फिर भी कोई छात्र क्लासरूम तक पहुंच जाए तो प्रोफेसर सीमा सिंह जैसे लोग उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बहुजन समाज से आने वाली ही देश की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फूले ने सीमा सिंह जैसी महिलाओं के लिए शिक्षा का रास्ता खोला था। आज वही सीमा सिंह जैसी महिलाएं बहुजन समाज के छात्रों को यूं गालियां दे रही हैं। कोरोना काल में जब हमारा देश महामारी से लड़ रहा है, ऐसे मुश्किल दौर में भी जातिवादी लोग जातिवाद करने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना की वैक्सीन तो ढूंढ ली, इस वायरस की वैक्सीन तो मिल गई, लेकिन जातिवाद के जो वायरस है, जो जाति का वायरस है, उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं मिली है। हमने प्रोफेसर सीमा सिंह का भी पक्ष जानना चाहा कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। हमने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उनका जवाब देने के लिए कहा, लेकिन ये वीडियो बनाए जाने तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मनुवादी और जातिवादी प्रोफेसर सीमा सिंह ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। हमें दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में मिलते हैं।